यहाँ पर मुझे एक मोर दिखाई दिया है, मतलब वो हमें देख के थोड़ा हो गया था, बड़ा प्यारा था यार, उसे मैं देखने जा रहा हूँ। अगर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई होप यू गाइस आर वेल। तो आज हम आए थे किसी काम से और अब हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों की तरफ घूमने। तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी है विकास आज, तो हम जाएंगे ऊपर पहाड़ों की तरफ और दिखाता हूँ आपको पहुँच के वहाँ पर। तो आप पीछे देख ही सकते हैं पहाड़, हम सोच रहे हैं वहाँ तक जाएं एक बार किसी तरह से। तो चलिए चलते हैं और पहुँच कर दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है वहाँ से ये पहाड़। फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां पर हमने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। ये देखिए वो है वो नीचे जहां से हम आए हैं होकर, ये है वो सारा। विकास भाई की जीत थी यहां पे आने, क्यों विकास भाई? जी भाई, काम भी चल रहा है यहां पर तो किसी का, यहां पे मजा नहीं आ रहा है। तो विकास भाई बोल रहे हैं अब आगे चलते हैं। तो विकास भाई किधर जाना चाहते हैं आप? चलते हैं ऊपर, थोड़ा और थोड़ा ऊपर जाने की जिद कर रहे हैं। तो दिखाता हूँ आपको पीछे से, तो इधर जाने के लिए बोल रहे हैं विकास भाई, झाड़ियों के बीच में। यहाँ बेर तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ और जरूर मिल जाए मिल जाएगा, बेर की जगह बाघ जरूर मिलेगा। वो विकास भाई डरा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहीं से पीछे हो जाऊँ। दिखाता हूँ आपको आगे तक पहुँच के। यार उत्तराखंड की यस यही है पहाड़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और इन्हीं के बीच लोग रहना पसंद करते हैं। ये है वो व्यू जो वहाँ से हमें दिखा था जहाँ पर हम मतलब आए थे स्टार्टिंग में। तो यहाँ से घूम के वहाँ चुके उसी व्यू पर, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। तो विकास भाई पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर, अब हम यही है वो व्यू जहाँ पर हमने देखा था स्टार्टिंग में। वैसे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है रात के टाइम हाथी वगैरह जानवर कुछ आते होंगे। यहाँ पर तो किसी ने आग भी जलाई है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर लोग जो है पार्टी करते हैं और वो आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो अब इसका एंड आ चुका है, तो ये लास्ट है, इसके बाद जो है जंगल स्टार्ट है। यहीं तक था जो था पक्का रोड, ही इसके बाद तो मतलब ऊपर के लिए कच्चा रोड जाता है एक। चलो विकास भाई एंड तो हो गया है। तो उधर एक मंदिर भी है वहाँ पर, मतलब ये रास्ता है मंदिर का। उधर ये ग्लास फैक्ट्री है और उधर है वो माता वाला बाग मंदिर। तो विकास भाई जाएंगे मेरे ख्याल से दर्शन करने के लिए, क्यों विकास भाई? जी भाई जी, ये माता वाला बाग है, इसको माता वाला बाग से नाम माना जाता है। तो आप जाइए दर्शन करके आइए, मैं आप वेट करता हूँ आपका गाड़ी पर, उधर ही आइए। एक मोर दिखाई दिया है, मोर गाइस आगे देखा आगे चल के। यहाँ पर मुझे एक मोर दिखाई दिया है, मतलब वो हमें देख के थोड़ा तेज हो गया था, बड़ा प्यारा था यार, उसे मैं देखने जा रहा हूँ। अगर मतलब अब तो मिलेगा नहीं क्योंकि उसने हमें देख लिया था, तो वो निकल चुका है देख के हमें, लेकिन कोशिश करता हूँ अगर दिख जाए वो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। विकास भाई धीरे धीरे उस मोर के पीछे जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब भी मिलेगा। नहीं मिलता है भाई, आ जाओ विकास भाई, अगर ऐसे मोर हाथ आने लग गए ना। चलो सहस्त्रधारा के लिए मैं आऊंगा फिर कभी आपको दिखाने सहस्त्रधारा, वो भी पर्यटक स्थल है, लेकिन फिलहाल तो हमें लेट हो रहा है, हमें घर जाना है। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो अभी आगे आने वाला है अंतरिक्ष भवन, ये भी देहरादून में ही है, वो दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। ये है वो अंतरिक्ष भवन जिसकी बात कर रहा था, उत्तराखंड अंतरिक्ष भवन, बोर्ड दिख रहा होगा आपको किस तरह दिखता है ये।
ठंड का ये मौसम है, ग्लव्स मैंने अभी भी अपने हाथ में लगाया हुआ है और जा रहा हूँ घर। तो वहाँ पर जो हमने मोर दिखा था, वो तो मोर मतलब दोबारा नहीं देख पाया मैं उसे, एक ही बार दिखा था, वो भी विकास भाई की नज़र उस पर पड़ी थी, मेरी तो नज़र ही नहीं पड़ी थी। पहुँचने वाले हैं हम, तो विकास अंदर गया है, उससे कुछ काम है, स्टेट बैंक में गया है वो अंदर, तो मैं खड़ा हूँ अभी। ये डोईवाला जहाँ पे मैं रहता हूँ, डोईवाला चौक यानी कि मैं इससे थोड़ा आगे जाके रहता हूँ, एक गांव है वहाँ पे मैं रहता हूँ, कुड़का वाला में रुका हूँ। तो चलते हैं और दिखाता हूँ अब आपको। वैसे आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैच देख लूँ, लेकिन मुझे एक काम और भी करना है, तो देखता हूँ क्या होता है आगे। बन रही है विकास, क्या हुआ? मैनेजर नहीं मिला अभी। मैनेजर नहीं मिला? कितने पैसे कितने बड़े? 2 लाख? 1 लाख? 20 लाख? अरे बैंकर के। सो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और विकास भाई को मैंने छोड़ दिया है। तो ठीक है विकास भाई, ओके भाई, मिलते हैं कल, चलिए चलते हैं। तो जी हमारे इधर चल रहे हैं क्रिकेट का टूर्नामेंट और लोग जो है मज़ा ले रहे हैं फ्री में, विदाउट एनी टिकट मज़ा लूट रहे हैं। और मैं उस समय पढ़ा हूँ अपने खड़ा हूँ पास में, जो मेरा मतलब गांव है वहाँ पे रिवर पड़ती है, इसका पानी पहले जो है बहुत साफ़ होता था, लोग इस पानी को मतलब पी लेते हैं, इतना गंदा ही उसका पानी हो गया है, मतलब क्या बोले। तो खैरिए इसे छोड़ते हैं, उधर जो है टूर्नामेंट जो चल रहा है, पब्लिक जो है इंजॉय कर रही है मैच को। तो अब से मैं इस चैनल पर डेली लाइफ व्लॉग्स भी ऐड किया करूँगा, मेरा एक फ्रेंड है मोटिवेशन एक्स, उसने मुझे बोला है कि डेली लाइफ व्लॉग्स देखने में मतलब जो है मज़ा आता है उसे, और जो है पीपल जो है इंजॉय करते हैं लोग, तो मैं वो भी ऐड किया करूँगा अब से। बाकी जो डेली मोटिवेशन एक्स मेरा जो दोस्त है उसके जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसकी वीडियोज़ देख सकते हैं। दूर से देखने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं आ गया हूँ पास में अब, और मुझे मिल चुका है मेरा फ्रेंड। अभी मज़ा आएगा ना भिड़ो, जो अकेला बैठा था। क्या हाल है आसिफ भाई? क्या हाल आसिफ भाई? ध्यान नहीं दे रहे हैं मैच में, ज़्यादा फोकस है इनका, और मैच का पूरा लुत्फ उठाते हुए। एक हमारे सुलेमान भाई बहुत तारीफ करते हैं हमेशा हमारी, क्या हाल है? ओह माय गॉड, वाओ, हाल है सुलेमान भाई? और ये भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, सब बढ़िया चल रहा है। कुछ कह रहे थे, मैंने कैमरा घुमा दिया। हाँ मैच का लुत्फ उठाते हुए। 7 गेंद 19 रन, एक और वाइड, वाइड के साथ 3 रन, 3 रन मिल चुके हैं, 16 रन रह गए, 7 गेंदों में 16 रन। की नो बॉल हो गई है, सर्कल की अतिरिक्त फील्डर ज्यादा भार हो गए, 8 रन चाहिए, 6 गेंदों में 8 रन, 6 गेंदों में 8 रन। मैच बड़ा रोमांचक मोड पर आ चुका है, लास्ट तक देखते हैं क्या होता है। और ये नो बॉल भी हो गई है, फ्री हिट है, हो गया काम। खत्म हो गया था, उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ घर। तो आज का व्लॉग यार यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में।